वेलकम। मैच है आज राजस्थान रॉयल्स का, किसके साथ? येलो आर्मी के साथ, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। तो हम तो गेम भी लगाएंगे और साथ ही साथ जो है मैच के बारे में भी बात करेंगे। और टॉस किसने जीता है? टॉस जीत लिया है राजस्थान रॉयल्स ने, बैटिंग करने जा रहा है। बट उससे पहले हम थोड़ी सी अपनी जो है सेटिंग्स वगैरह करेंगे, उसके बाद जो है हम मैच को जो है खेलेंगे भी, और जो जो मैच के रिगार्डिंग मैच वॉच भी करेंगे, क्या हो रहा है मैच में, और वो सारी जो है बातें भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, कुछ सेकेंड जो है हम थोड़ी बहुत सेटिंग्स कर लें, तो आप जो है चैनल को जब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ क्या करना है आपने, इसके साथ साथ आप जो है कमेंट सेक्शन में भी आ जाइए ज़रूर, और वहाँ पर बताइए आप किसे जो है फेवर कर रहे हैं, कौन जीतने वाला है आज। और मीनवाइल जब तक हम थोड़ी बहुत जो है सेटिंग्स ओके कर लेते हैं, और बस कुछ सेकंड्स में हम जो है शुरुआत कर देंगे। और आप जो है ज़रूर बता सकते हैं, आज की वीडियो में भी मैंने अपनी जो फैंटेसी टीम ऑलरेडी बताई हुई है, तो वहाँ का रेफरेंस आप देख सकते हैं कि कौन सी फैंटेसी टीम हमारी खेलेगी। तो अगर राजस्थान पहले जो है बैटिंग करेगा यहाँ पर, वो चेस करने के लिए देगा इन्हें CSK को, दैट इज़ सरप्राइजिंग। बट इसका मतलब ये पिच जो है सेकेंड हाफ के लिए कहीं ना कहीं ट्रिकी होने वाली है। वेल ऑब्वियसली इसका मतलब तो यही है, इसका मतलब स्पिनर्स जो हैं वो सेकेंड हाफ ऑफ द गेम में वो प्ले में आएंगे। सो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। जैसे कि मैंने कहा, बस कुछ सेकंड जो हैं हम अपनी यहाँ पर सेटिंग्स कर लें। ये सेटिंग इसलिए इस वक्त करनी पड़ती है क्योंकि डायरेक्टली जो है कंसोल से लाइव होते हैं, तो इसलिए जो है सेटिंग्स करने को नहीं मिलती हैं उससे पहले, जब तक हम जो है वेट भी कर लेते हैं कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या एटलीस्ट जो है हमारा जो लाइव है वो आराम से जो है वर्क करने लग जाए, और इतने में कन्फर्मेशंस भी हो जाती हैं। तो आज जो है मैं किस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, वेल कलर से आप देख पा ही रहे होंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम गेम में पार्शियलिटी करने वाले हैं। नो नो नो, गेम में आपको पता ही है हम जो है 10 ओवर्स की गेम लगाते हैं, और उसमें जो है दोनों तरफ से जो है बैटिंग हम ही करेंगे, सो दैट किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग वो ना हो, और अपनी पूरी ईमानदारी से जो है टोटल को बनाएंगे भी और टोटल को चेज भी करेंगे। एक बार जो है बस एक चीज़ देखना है हमने कि आवाज़ ठीक आ रही है ना, पता लगे कि वही हो जाए जो नहीं होना चाहिए। चलो चलो दिखाओ आवाज़। आवाज़ ठीक है, आवाज़ ठीक है, आवाज़ ठीक है, एंड वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल सेट। चलो हम जो है ऑल सेट हैं, बस एक बार जो है पोल डाल देते हैं फटाफट, पोल पोल। उसके बाद मैच के बारे में क्या कैप्टन्स ने बोला है, क्या हो रहा है, वो सब भी जो है डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट अप पोल, चलो चलो चलो। हु विल विन, इज इट RR, इज इट CSK, आस्क द कम्युनिटी। तो जो है पोल भी डाल दिया है, लेट्स सी किसे जो है जिताने वाले हैं। आई डाउट कि CSK की जो है फैन फॉलोइंग जो है पोल में हारती होगी, आई डाउट दैट। चलो चलो चलो, हम जो है अपना पहले लाइनअप जो है एडिट कर लें। जॉस बेल्टर खेलेगा, खेलेगा ठीक है, सर ये भी ठीक है यार, इसे मैं हटाना चाहता हूँ, इसे मैं हटा रहा हूँ, इसकी जगह मुझे ये खेलाना है। कहाँ है ध्रुव जुरेल? मुझे ध्रुव जुरेल जो है काफ़ी पसंद है, कि जिस तरह का प्रॉमिस दिखा रहा है ये। इसके अलावा क्या कोई और है नीचे जिसे हम खिला सकते हैं? संदीप को खिलाएंगे हम, संदीप शर्मा। संदीप शर्मा आएगा प्रसाद कृष्णा या नवदीप सैनी की जगह, सो लेट्स से नवदीप सैनी की जगह लाए आते हैं। तो ये बॉलिंग भी जो है सेकंड डालेगा, बोल डालेगा पहला। तो ये हमारा लाइनअप हो गया सेट। यहाँ पर कॉनवे गायकवाड़, ये ठीक है, ये ठीक है। स्टोक्स हम खिलाएंगे, वहाँ का हम चेक करते हैं अभी कि वहाँ पर खेल रहा है या नहीं। ठीक है, ये लाइनअप जो है यहाँ पर ठीक है, ठीक है, ठीक है। बॉलिंग में महेश चौधरी से जो है चलो पहले डलवा लेते हैं, तीक्षणा जो है दूसरे पे डलवा देगा, ठीक। ओके ओके, बढ़िया है, बढ़िया है। तो हम जो है अपना मैच स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ की जो है हालचाल हम जो है तब तक बात कर लेते हैं क्या हुआ वहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा टीम्स भी आ गई हैं, राजस्थान रॉयल्स जो है वो कर रहा है पहले बैटिंग, तो टीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी इसे कंटिन्यू करें, चलो यहाँ पर भी हम जो है स्टार्ट कर देते हैं।
टॉस पे क्या बोला वो बाद में देखते हैं। पहले चेन्नई सुपर किंग्स, ऋतुराज गायकवाड़, कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, वाह मोइन अली आ गया वापस, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, धोनी, महिषा, गुड देश इवनिंग एंड पांडे, वेलकम टू तीक्ष्णा, द लाइव अक्षर सिंह। टू जॉइन इसका अस दिस मतलब आज भी चैनल जो है बिटवीन बेन द स्टोक्स वाइल्ड नहीं खेल रहा, एंड द दैट्स चेन्नई सैड। राजस्थान ब्रावोस, रॉयल, आई एम जयसवाल, माइक बटलर, एथलेटन एंड डेविड अलोंगसाइड पडिगर, संजू टुडे सैमसन, इज नाउ हेटमायर, ध्रुव जोनाथन जरेल, रोज वाओ एंड ये हुई। मिक्की अच्छा मिक्की पडिगल तो आज फिर भी खेल रहा है। मॉन्टगोमरी, अश्विन, होल्डर, सो आई लाइक जाम्पा, दिस संदीप ट्रेंड शर्मा, इन चहर। चहर, आई हैव बीन यानी कि ट्रेनिंग इन्होंने विद द अश्विन भी खिलाया कंडीशंस है, एंड जाम्पा इट्स भी प्रीटी खिलाया डैम है टफ, और इवन चहर भी इफ यू खिलाया आर है। दैट मीन्स अ पॉपुलर यू स्पिनिंग आर ट्रैक होने लुकिंग टू वाला गेट है, योर तो फर्स्ट इसका ऑन दिस मतलब पिच। जो है वहां से इट्स कॉनवे को वेरी दिक्कत ड्रॉन आएगी आउट कहीं ना जंप कहीं, एंड इट नहीं कुड तो मेक बाकी एनी तो आई रन थिंक ठीक चेस ही लाइक खेल चेस लेते हैं। लाइक चेस ओके एम एस धोनी टॉस पे बोलरवाइज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे एब्सोल्युटली हैं द परफेक्ट पिच हैज कंडीशंस, डिसेंट नो पेस सेटअप बट द एवरेज, एवरेज बाउंस इज ब्रिलियंट स्लाइटली वर्क लेस, देयर फ्रॉम यानी देम। कि डिसेंट पेस होगी गोइंग डाउन बट टू द मिडिल एवरेज नाउ, बाउंस जो है वो कैप्टन इज स्लाइटली रेडी लेस फॉर द होगा। टॉस। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड करेक्टर इन आर टीम। हम अपने टॉस में जब तक जो है देखें क्या करें। वहां पर सी एस के बॉलिंग पहले कर रही है ना, ओ जीत गया सी एस के, तो सी एस के हमारे भी जो है I'd say बॉलिंग this is पहले ही just करेगी। giving बट away a नॉट टू huge वरी, advantage दोनों by बार हम ही choosing to चेज bowl first. करेंगे, सो दैट मींस Everything अगर about हम the pitch चेज कर says रहे they're on होंगे roughly या हम that, बैटिंग करेंगे but दोनों I बार, reckon the तो bowlers are gonna चीटिंग have a नहीं difficult करेंगे। time. तो उसके बाद वी आर ट्राइंग टू बिल्ड करेक्टर इन आर टीम Here we go, first बॉलर्स ball एंड of the मेक match. दम Nothing बिलीव, better मेक than दम getting the बिलीव इन game देमसेल्व, started. सेम साइड फॉर ओस। Hearing the ओके sound of साइड सेम ही weather है, on willow. बट वो कह रहे हैं कि मैं बॉलर्स के बीच में जो है ट्राइंग टू मेक अ ट्राई टू बिल्ड अ करेक्टर, यानी कि उन्हें जो है सिचुएशंस में डालकर या उन्हें जो है आई थिंक पहली एक धमकी ऑलरेडी काम कर गई है। तो इतना ही बोला है धोनी ने आज, छोटी सी स्पीच दी है। संजू सैमसन ने बड़ा बोला है, वी वुड लाइक टू बैट फर्स्ट, ओके बैटिंग पहले कर रही है, वी लाइक टू स्टिक टू आर स्ट्रेंथ, ओके दैट मीन्स देयर स्ट्रेंथ इज बैटिंग, विच इज टू डिफेंड, ओके देयर स्ट्रेंथ इज टू डिफेंड, वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को देखकर। इट फील्स रियली ग्रेट टू प्ले RR 200 गेम, वाओ संजू सैमसन की 200वीं गेम है, वाओ फील्स ग्रेट टू बी प्लेइंग फॉर 10 ईयर्स, 10 साल हो गए भाई, 10 साल हो गए सैमसंग को खेलते हुए, वाओ दैट्स कूल, वुड लव टू सी सम पिंक हेयर टुडे, बट आई डाउट वो मिला होगा, हाँ बट इट्स येलो एज वी ऑल नो द रीजन, स्माइल करता उसके बाद। ओके यानी कि वो कहता मुझे अच्छा लगता कि यहाँ पर जो है मैं अपने अपने होम ग्राउंड में जो है पिंक ज़्यादा देखता या पिंक देखता, बट एज यू नो महेंद्र सिंह धोनी इज प्लेइंग तो येलो ही येलो सब जगह। बोल्ट मिसेज आउट, ओके टीम में हमने ये तो मिस कर दिया, बोल्ट आज मिस कर रहा ड्यू टू एन ईगल, जाम्पा इज प्लेइंग इन इस साइड, बट आई थिंक अगर ये स्पिनिंग काइंड ऑफ अ ट्रैक अगर है ये, बिकॉज आई एम श्योर तभी इन्होंने जो है सेकेंड बैटिंग जो है उन्हें देने का सोचा होगा, और यहाँ पर ड्यू का फैक्टर प्ले आउट नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर ये चक्कर होगा तभी दे हैव डिसाइडेड, एल्स भाई ये फंस गए हैं। अगर ये पिच जो है नॉर्मल रही और ये स्पिनिंग ट्रैक नहीं है, और अगर उस सिचुएशन में ये 180 के आसपास निपट जाते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम है, नहीं तो अगर ये 200 के आसपास बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे यहाँ पर हम क्या करेंगे, और बैटिंग ऑर्डर नहीं कुछ करना हमने, हमने अरे रुक रुक, हमने सेटिंग्स में जाना है, टीम सेलेक्ट करनी है, और राजस्थान रॉयल्स के लिए हमने करनी है बैटिंग। तो हम जो है बैटिंग शुरू कर चुके हैं, वहां पर थोड़ी देर में जो है मैच शुरू हो जाएगा। तो पिंक टीम के साथ जो है हम At अपनी that पहली जो है perfect बैटिंग की time. शुरुआत कर रहे हैं, लेट्स सी कितना टोटल बना सकते हैं। वाह पहला शॉट बढ़िया, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तेजी से मैं चौथा रन ले सकता था, बट मेरा Good जो throw नॉन from the स्ट्राइकर आई deep थिंक ball on बटलर है, वो target. बटलर थोड़ा सा Good सुस्ती दिखा runs, रहा है good आज, shot, first बट ball of कोई the बात नहीं। innings. मीनवाइल चेन्नई के लिए The team will be after a जो positive innings from सब्स्टिट्यूट this प्लेयर्स हैं वो batter. है अमिता Great अमित opportunity राइडू, to come in and put some प्रोटीरियस, numbers on the board. सेनापति, राशिद हंगेरकर, और राजस्थान के लिए यार ये नाम नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे, अश्विन, पराग, आसिफ, कुलदीप, और वो दूसरा कौन सा है, दोवर नॉन फेरारी, ये क्या नाम है यार, ओए Picks the gap गुड perfectly. बॉय, गुड 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 शॉट, गुड Just शॉट। तो perfection राजस्थान and जो है majestic वहां पर भी shot. बैटिंग करेगी, You यानी just कि मेन cannot खतरा hit कौन it सा any better रहेगा, than that. जॉश दबोश Christ बटलर, to और आज watch मुझे that. लग रहा है यार बटलर और सैमसन Just need to keep ये it दोनों जो simple. हैं Line धज्जियां length उड़ा around सकते about हैं। off अरे stump. एक सेकंड रुक, And ओ that'll यार force रुक the जाओ रुक जाओ, mistake. वो भी टीम को कॉन्टेस्ट तो ज्वाइन करवाना है, मैंने टीम को Great shot, कॉन्टेस्ट ज्वाइन great कराना है timing. बॉस, तो There's टीम को minimal फटाफट जो volume, है just great मैं timing to punch it through कॉन्टेस्ट the field भी for ज्वाइन four. करवा दूं। कहां पर है, कहां पर है, यस ज्वाइन कॉन्टेस्ट, यस
तो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करवा लिया मैंने, टीम चेक कर लूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा प्लेयर है जो आज खेल ना रहा हो। आई थिंक बोल्ट होगा तो बोल्ट को मैं चेंज करवा दूं। वाओ, बोल्ट होगा तो बोल्ट को मैं चेंज करवाता हूं। इन लाइनअप बैट्समैन में है, इन लाइनअप इसमें है, इन लाइनअप इसमें है। बॉलर्स में हमारा बोल्ट जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, तो उसकी जगह संदीप शर्मा नहीं, ऑलराउंडर्स में मोइन अली। चलो उसकी जगह हमने मोइन अली ले लिया है, बाकी सारा कुछ हमारा सेम है जो हमने सुबह वाली वीडियो पर डिस्कस किया है। तो ओए रुक जा, रिस्की रन नहीं, 10 ओवर्स की गेम है। एज पर आवर क्या कहते हैं, एज पर आर एक्सपीरियंस 15 की रन रेट जो है वो चेस करने के लिए देनी पड़ती है। अगर आपने जो है एक एप्रोप्रिएट चेस करवानी है, और हमारा पहला ओवर, वाव, राजस्थान का पहला ओवर बढ़िया निकला, आई थिंक बहुत बढ़िया निकला। बट कंसिस्टेंसी, क्या हम कंसिस्टेंटली ये काम कर सकते हैं या नहीं? वहां पर 15 मिनट के बाद जो है मैच शुरू हो जाएगा, राजस्थान जो है बैटिंग करने आ जाएगा। सिमिलर जो है हमारी तरफ से भी CSK जीता है वहां पर, हालांकि राजस्थान जीता है टॉस, बट ये बैटिंग जो है हमारी तरफ से कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स। तो टोटल जो भी बनेगा वो हम जो है एज अ CSK सेकेंड इनिंग में चेस करेंगे। हम 10-10 ओवर लगाते हैं, 20 ओवर में थोड़ी सी स्ट्रेटेजाइज जो है, गेम ज्यादा हो जाती है, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा अलग सा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा फन गेम और थोड़ा सा ऑन द गो, बाकी जब हमारी ऑडियंस थोड़ी बहुत बिल्ट अप होगी, अगर होगी, जब होगी, तो तब हम जो है गेम को अकॉर्डिंगली लंबा भी कर दिया करेंगे। बट आई थिंक ये बट स्मॉल फॉर्मेट्स आर गुड, नॉट बैड। तो हमारा टारगेट क्या रहता है पहली बैटिंग करने वक्त, हमारा टारगेट रहता है एटलीस्ट 150 के हिसाब से, यानी कि 15 रन के हिसाब से जो है दिया जाए टोटल ऑपोजिशन टीम को, और वो ऑपोजिशन टीम यानी कि सेकंड बैटिंग वो हम ही करेंगे। सो दैट तब जो है एक प्रेशर वाकई में फील होता है, क्योंकि तब आप जो है 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आप शुरुआत करते हैं, सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। मीनवाइल अभी 18 की रन रेट चल रही है, दैट वी एक्सपेक्ट सच अ टेरिफिक बैटिंग लाइनअप के इस तरफ से, और सिमिलर यही डर जो है वहां पर रहेगा लाइव मैच में, क्योंकि अगर ये पिच भी देख लें, पिच रिपोर्ट भी देख लेते हैं, पिच रिपोर्ट के तो हमारे सामने पड़ी है, पिच रिपोर्ट सुनो, इट्स अ पिच नंबर 5 एंड इट विल इम्पैक्ट द बाउंड्री साइजेस। तो पांचवी पिच पर कहीं पर ये खेल रहे हैं, तो बाउंड्री साइजेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके आगे मैं पढ़ता हूं अभी, क्योंकि पिच बहुत इंपॉर्टेंट। वाओ, गुड शॉट, इट्स इक्विवेलेंट स्क्वायर बट लास्ट स्ट्रेट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बढ़िया भाई, स्ट्रेट बाउंड्रीज 78 मीटर की, यानी कि स्ट्रेट मारना जो है डिफिकल्ट हो सकता है। देर वॉज नॉट मच ग्रास लास्ट वीक, 154 वॉज इनफ। अच्छा, पिछली बार ग्रास नहीं था यहाँ पर जब 154 जो है, ओ वाइट बॉल, 154 चेस किया था, आई थिंक लखनऊ ने करवा लिया, पार्डन मी, डिफेंड करवा लिया था लखनऊ ने, बट इनकी बेवकूफी तो वो Big change is there that even the covering of glass tonight, but won't see bounce seam. एक सेकेंड. Interesting. क्या ये इस डर की वजह से तो नहीं संजू सैमसन ने बैटिंग जो है पहले ले ली कि बाद में ये डिफेंड नहीं होता? बट आई थिंक लास्ट टाइम इनकी खुद की गलती ज्यादा थी, तो आज ग्रास जो है कवरिंग देयर इज, बट वहां पर उतना बाउंस स्टिल नहीं होगा और सीम भी नहीं होगी। द बैटर्स विल थिंक इट्स वे बेटर फॉर बैटिंग, 154 मे नॉट बी इनफ दिस इवनिंग, फील्स लाइक केविन पीटरसन। तो केविन पीटरसन ने अगर रिपोर्ट दी है ये, तो दैट मीन्स नॉट बैड। तो केविन पीटरसन कह रहे हैं कि लास्ट टाइम 154 इनफ थे, कहीं ना कहीं चेज जब आई थिंक राजस्थान नहीं कर पाई थी, आज वो टोटल जो है उतना डिसेंट नहीं होने वाला। सो दैट मीन्स अगर इस पिच पे 180 तक या 180 से ऊपर जाएगी राजस्थान, तो एटलीस्ट एक माइंड के तौर पर जो है दे विल फील कि यस दे हैव गॉट सम डिसेंट काइंड ऑफ अ टोटल, बट क्या वो विनिंग टोटल होगा अगेंस्ट इन फॉर्म CSK? वेल आई डाउट, मुझे लगता है 190 के ऊपर, मैं तो कहता हूँ 200, क्योंकि जिस तरह का आपका बैटिंग लाइनअप है यार, और CSK का जिस तरह का बॉलिंग लाइनअप है, आप जो है अगर पिच में, ओ वापस आ,
क्लोज क्लोज, गलत शॉट खेला मैंने। हाँ तो मैं कह रहा था अगर पिच में कुछ बहुत अनयूजुअल नहीं है, और जैसा कि केपी ने बोला ही है, कैवन पीटरसन ने बोला ही है कि ये वैसे पिच नहीं है जो लास्ट टाइम हमने देखी थी, यहाँ पर बैटिंग जो है रन आपको कंपैरेटिवली दिखेंगे, सो दैट मींस अगर पिच में खास कुछ नहीं है तो सीएसके के बॉलर्स आपको ओ बच गए, डायरेक्टेड लगती तो गया था तो भाई। तो अगर सीएसके के बॉलर्स आपको इतना तंग नहीं कर सकते, और लुक एट योर बैटिंग लाइनअप यार, राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइनअप, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार, संजू सैमसन को देशभक्ति जो है टीम के ऊपर जो है दूसरों को भक्ति जो है बंद करनी होगी, अपना नंबर जो है देना बंद करना होगा, और संजू सैमसन को खुद आना चाहिए। आई थिंक इनका, हालांकि इन्होंने आज भी वो देवीदत्त पडिकल को खिलाया है, बट इनका लाइनअप जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, सिंपल अभी बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। हालांकि पडिकल ने जो है लास्ट उसमें रन मारे थे, वाओ ग्रेट शॉट, बढ़िया शॉट भाई साहब, बढ़िया शॉट, बढ़िया बटलर था ना ये, वाओ। हाँ तो मैं कह रहा था हालांकि देवीदत्त पडिकल ने पिछली बार रन मारे थे, बट यार इनका लाइनअप सिंपल ये होना चाहिए, जायसवाल, बटलर, सैमसन, जुरेल, हेटमायर, उसके बाद आपका कौन बचा, उसके बाद आप जो है अगर भेजना चाहते हो तो पडिकल को वहां भेज दो, फिर होल्डर, फिर अश्विन, यार इनका लाइनअप सेट होना चाहिए, बार बार पंगेबाजी तो लेने वाली लाइनअप ही नहीं है ये, तो आई डोंट नो ये अपने लाइनअप से जो है पंगा क्यों लेते हैं बार बार, और ये इनका सेट पैटर्न होना चाहिए हर बार, तो इसमें जो है इसमें कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती जो है। अब देखो ना 20 ओवर हैं यार, 10 प्लेयर हैं, तो गेंद के सबको 2 ओवर मिलने हैं, टेक्निकली तो सबके 2 ओवर बनते हैं, तो अगर आप 2 ओवरों में जो है सोच सोच कर ये करी जाओगे, और स्पेशली आपके ओपनर जो है 5-6 ओवर 7 ओवर नॉर्मली खड़कर आते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि आपके ओपनर्स जो हैं आपके लिए रन नहीं बना रहे, तो वैसे ही यार ओवर नीचे कम पड़ रहे हैं, तो संजू सैमसन अपनी, और हाँ ये भी नहीं है कि संजू सैमसन जो है फॉर्म में नहीं है, संजू सैमसन एक डिसेंट फॉर्म में है थ्रू आउट, अब यार उसमें भी तुम जो है अपने जो है चांसेस दूसरे को दे जा रहे हो। अब सपोज करो अगर संजू सैमसन ने अभी तक, मैं ये नहीं कह रहा इससे जो है उसका WTC फाइनल में एंट्री हो जानी थी, बट सपोज करो अगर संजू सैमसन ने एक आधा शतक खड़का के रखा होता यहाँ पे, कंसिस्टेंटली रन बना के रखे होते, तो केस तो स्ट्रांग होता ही है यार, केस स्ट्रांग होता ही है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अजिंक्य रहाणे का जो है केस इसीलिए बनाए कि उसने यहाँ पर सीएसके के लिए रन बनाए हैं, बट यार बहुत बड़ा उसका, उसने हल्ला गुल्ला मचाकर कानों तक आवाज तो पहुंचा दी ना, तो मे बी एक वो फिनिशिंग टच वाला जो मसला था कि अजिंक्य रहाणे को लेना है या नहीं, वो फिनिशिंग टच सीएसके की इनिंग्स की वजह से हो गया, ठीक है ना, तो वैसा अगर संजू सैमसन करता तो देर वॉज ऑलवेज अ चांस, क्योंकि संजू सैमसन वाओ, बटलर पूरी फॉर्म में भाई, बढ़िया 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 भाई, सीएसके को चेज करने में पसीने निकलने वाले हैं अगर इसी तरह कंटिन्यू करते रहे। हाँ तो मैं कह रहा था, क्या बात कर रहा था मैं, संजू सैमसन की बात कर रहा था, तो अगर उस हिसाब से यार जो हमने भारत को लेकर गए हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो उसमें था ना, उसके अगेंस्ट ओए रॉन्ग शॉट, उसके अगेंस्ट ईशान किशन ने भी कोई धमाका नहीं मचाया हुआ तो उसका पत्ता कट गया, और ये भी आई थिंक न्यूज रिपोर्ट आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया आई थिंक, या किसी न्यूज चैनल ने भी किया है कि ए ओए ओए वापस आ, वापस आ, बच गया बच गया बच गया बच गया, कि 5 प्लेयर जो है स्टैंड बाय में है, 2 आई थिंक बैट्समैन है उसमें इंक्लूडिंग अ विकेट कीपर, उसमें ईशान किशन का नाम है, और 2 बॉलर्स, ऐसा कुछ उनका सिनारियो है, तो ऑब्वियसली अगर ईशान किशन फॉर्म में होता तो डेफिनेटली उस पे जो है काफी उस पे भी जो है बातें हो सकती थी, बट वो लेकर गए हैं अपना जो रेगुलर खिला रहे हैं भारत को, तो वाव, तो ये फर्क तो डालता है यार, तो संजू सैमसन एक तो उसे चांस नहीं मिल रहा, ऊपर से अपना चांस यार अपनी बैटिंग वो दूसरे को दे ही जा रहा है, गलत है, तो आज भी देखने लायक बात होगी कि आज क्या सीन बनता है, और देवीदत्त पडिकल को जो है नीचे डालो यार, ऊपर उसका कोई मतलब नहीं बनता लाने का, लेट्स सी आज क्या होता है, और जिस तरह की सीएसके की बॉलिंग लाइनअप है, भले ही बहुत डिसिप्लिन से डालने लग गए हैं कुछ भी है भाई,
बॉलिंग लाइनअप अगर कमजोर है तो वो कमजोरी होती है। आपको याद होगा जब हम ऐसी इसी तरह का गेम प्ले कर रहे थे, मैंने शॉर्ट्स में भी वो पोर्शन कट करके डाला था जब अर्जुन तेंदुलकर बॉल डाल रहा था। हमने कहा यार वाह कमाल होगी, या तो इसकी लाइन लेंथ बहुत बढ़िया है या कुछ तो ऐसा सीख के आया जो ये मार नहीं रहे, नहीं तो जो अर्जुन तेंदुलकर की पेस है, जिस तरह की बॉलिंग वो डालता है, जैसी भी डालता है, मुझे कुछ इतना स्पेशल नहीं लगा। मैं कहा ऐसे तो मतलब जिस दिन कुटाई पड़ती है ना, मतलब बैट्समैन को छोड़ना नहीं चाहिए, और लकीली या उसके लिए अनलकीली उसी दिन कड़प्पा चढ़ गया उसका। ओए पकड़ हो गया, पार हो गया, उसी दिन कड़प्पा चढ़ गया। तो सिमिलर गोज विद सीएसके के बॉलर्स ने जितना मर्जी डिसिप्लिन पकड़ लिया हो, जडेजा जो है बीच बीच में से अपना सेंसेशनल बॉलिंग डाल रहा है, एक बार मोइन अली ने भी डाल दिया था, उसके अलावा लूप होल्स तो हैं भाई उसमें, लूप होल्स हैं। और अगर राजस्थान रॉयल्स जो है उस लूप होल्स को नहीं पकड़ सकती तो भैया कमाल हो जाएगी। तो राजस्थान रॉयल्स से मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ भाई आज पटाखे लगाओ इनके ऊपर, वाओ। और भैया ये हमारी गेम प्ले में कोई ज्यादा ही पटाखे नहीं चल रहे आज, आई थिंक ये हमारा बेस्ट टोटल है सो फार। आई थिंक नहीं, ऑब्वियसली ओ जायसवाल ने 50 भी मार दी भाई, ये बाकी तो 10 ओवरों में पता लगेगा। आई थिंक हमारा रिकॉर्ड क्या है 150 से 155 के ऊपर नहीं है ना 10 ओवरों में, तो ये रिकॉर्ड है हमारा। और ओए पकड़ा गया, ओए बच गया, ओहो बच गया। 5 ओवरों में कितने हो गए, ओए मजाक में ज्यादा हो गए ये, ओए 93 रन, वाओ भाई। अगर इस रन रेट से लगे रहे, लास्ट बॉल खेल के बात करते हैं इसके ऊपर, तो ओ फील्डर के ऊपर, ओ फील्डर भी लगाया था स्पेशली, ओ भाई 99 5 ओवरों में, ये रिकॉर्ड है भाई अपना, ये रिकॉर्ड है अपना, पहली बार इतना बड़ा इतना ज्यादा रिकॉर्ड ये है। तो अगर 99 के हिसाब से, हालांकि ये 100 नहीं हो, 200 हो नहीं सकता ऑब्वियसली, ये बेस्ट है जो आई थिंक हम 5 ओवरों में क्रिएट कर सकते हैं, वाह। और 10 ओवरों का ये फायदा है कि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसलिए हमारे 20 ओवरों में इतने रन नहीं बनते हैं जितने 10 ओवरों में बन जाते हैं कंपैरेटिवली, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम 150 की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब तो 100 रन की पार्टनरशिप होगी, वाह, तो उसका मतलब तो 20 ओवर्स में हमें 200-300 मारने चाहिए, बट ऑब्वियसली फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का पंगा डलता है। 10 ओवरों में जो है ज्यादा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आई थिंक 3 फील्डर से ज्यादा जो है बाहर नहीं जा सकते हैं। और मैं रिपीट कर दूं, जो चेस करेगा सीएसके वो हम ही चेस करेंगे, तो हम अपने आप को ही चैलेंज दे रहे हैं, ये पीसी या कंप्यूटर नहीं करेगा क्योंकि कंप्यूटर से ये होने भी नहीं वाला। तो थिंग्स जो है बराबर रहें, न्यूट्रल रहें, इसलिए जो है चेस भी हम करेंगे, बट ये टोटल कुछ ज्यादा है बॉस, ये टोटल कुछ बहुत ज्यादा है आई थिंक, बट फ्लो में बन रहा है ये। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें भी बॉलिंग वीक है इनकी, बट सीएसके की बॉलिंग वल्नरेबल है, और भाई राजस्थान रॉयल को पकड़ लेना चाहिए। अगर सीएसके, लेट्स एक अजम्पशन करते हैं, एक क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, अगर सीएसके आज इस ग्राउंड पर जहां ये खेल रही है इनके राजस्थान रॉयल के, अगर ये राजस्थान रॉयल को आज सिर्फ हराकर चली जाती है, हराकर, मैं ये नहीं कह रहा कन्विंसिंग ये वो नहीं, अगर ये सिर्फ इन्हें हराकर चले जाती है ना, तो भाई सीएसके का समय लेना कि चाहे बैटिंग उनकी जैसी मर्जी चल रही है, बहुत स्ट्रांग चल रही है वैसे तो, चाहे उनकी बैटिंग में क्या है, कि चाहे उनकी बॉलिंग वीक है या स्ट्रांग है क्या है, बट ये समय लेना कि इस टूर्नामेंट का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रेंटेड फाइनल ये खेलने वाली है और वो शायद गुजरात के साथ ही खेल रही होंगी, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर यहां से आज सीएसके जीतकर निकलती है जो राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच होने जा रहा है अभी 2 मिनट के बाद, क्योंकि मोस्ट लाइकली राजस्थान को ये गेम, और अगर राजस्थान वाकई बहुत टॉप कंटेंडर है, जो कि मैं मानता हूं इससे पहले तो थी, इससे पहले जो पिछले जो इन्होंने भंडे मारने शुरू किए हैं, तो वो सीएसके को कन्विंसिंगली हराएगी आज, कन्विंसिंगली, समझ रहे हो कन्विंसिंगली कैसे है, मतलब डोमिनेटिंग, रियल बाबर आजम वाला डोमिनेटिंग नहीं, असली वाला डोमिनेटिंग जो है, हराकर जाएगी राजस्थान रॉयल्स सीएसके को आज ये गेम। नहीं तो अगर सीएसके जीत गया
सीएसके के लिए मोर देन सफिशियंट है। आप समझ लो कि भाई ये टूर्नामेंट में बहुत आगे तरक्की करने जा रहे हैं, और अगर राजस्थान इन्हें कन्विंसिंगली हराएगी तो राजस्थान का आप हम मान सकते हैं कि इनका जो है स्टैंड है टूर्नामेंट में आगे बढ़िया जो है टॉप कंटेंडर बनने का, जो कि अभी तक थे, बट ये खुद की गलतियां इनकी जो है खत्म नहीं होती हैं। वाव, और हमारे गेम प्ले में तो भाई राजस्थान ने मतलब रिकॉर्ड ताबड़तोड़ जो है शुरुआत दे दी है। और वहां पर राजस्थान के प्लेयर्स आ गए हैं बॉस, वहां पर राजस्थान के प्लेयर्स आ गए हैं खेलने के लिए। सो लेट्स सी क्या बनता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय राजस्थान। वाओ, गुड शॉट भाई, ये हमारा रिकॉर्ड होने जा रहा है जिस तरह जो है आज हमारी होए बटलर की 50 अब हुई है। वेरी गुड, तो जिस तरह जो है बटलर ने 50 मार दिया बाय द वे, जिस तरह आज जो है इस ये कुटाई हो रही है राजस्थान रॉयल्स कर रहा है हमारी गेम प्ले में, दिस इज आर रिकॉर्ड वैसे तो। सो लेट्स सी कि भाई सीएसके को प्रेशर होने वाला बहुत बड़ा। सो दिस इज आर रिकॉर्ड यार, और थोड़ा सा बैकफुट पे होना चाहिए था। तो दिस इज आर रिकॉर्ड, इससे पहले जो है इतना रिकॉर्ड जो है नहीं हमारा बना। तो लेट्स सी क्या होने जा रहा है, लेट्स सी। चलो, ओए बैकफुट यार, दोनों बॉल में कंफ्यूज कर दिया उसने मुझे। कोई बात नहीं, लेट्स सी। चलो, ओए बढ़िया, स्टोक्स बढ़िया, बहुत बढ़िया शॉट है ऐसे, बहुत बढ़िया। चलो, पहली बॉल, ओए कड़ाका वहां पे चौका, पहली बॉल पे वहां पर भी कड़ाका चौका आ गया बॉस। ये एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूं इनसे, और जियो वाले में अब बॉल डलिए जाकर बताओ, टीवी पे ऑलरेडी चौका लग चुका है। तो पहली बॉल पे चौका, ये इनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आज इनसे। ओए ओए भाग, ओए निकल गई बॉल, बढ़िया, निकल गई बॉल, चौका हो गया, हमारा भी चौका चले गया। तो वहां पर कड़ाका शॉट पहली बॉल पे जायसवाल की तरफ से, चलो भाई वहां पर कड़ाका शॉट जायसवाल की तरफ से। सो बढ़िया, हमारे तो ऑलरेडी जो है राजस्थान रिकॉर्ड ब्रेकिंग में पहुंचा हुआ, 134 पे पहुंच भी गया यार, ये तो हम ये पहली बार इतना बना है हमारा, और आई थिंक 170-180 तो आज बना रहे हैं हम। दूसरी बॉल भी चौका भाई जायसवाल। वाव भाई, ये उम्मीद है करूं आज, हालांकि दो बॉलें देखकर ये बोलना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी, बट वही बात, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस अगर लगाकर ये सीएसके को नहीं बीट करते हैं देन राजस्थान रॉयल्स ये समझेगा उनका ये मैच नहीं है, और अगर कहीं खुदा ना खासा जो कि लिटरली इम्पॉसिबल, हालांकि मैं सपोर्ट कैसे कर रहा हूं आप देख पा रहे हो, बट एक साइड को मैंने सपोर्ट जरूर कर रहा हूं, बट दैट डजंट मीन जो है मैच का जो है गलत बताऊं जो एक्चुअल में होना लगता है। सो राजस्थान सीएसके को सिर्फ जीतना चाहिए ये मैच, दैट विल बी उनके लिए मॉरल विक्ट्री, उनके लिए सब किस्म की विक्ट्री होने वाली है वो। सीएसके सिर्फ प्लेन ये मैच जीत जाए, बट राजस्थान ये मैच डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस से ना जीते ना, तो राजस्थान ये विक्ट्री नहीं समझ सकती, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं वो हार गया भाई, फिर राजस्थान में ये मत के पूछना कि टॉप फोर में अब क्यों नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता फिर वो टॉप फोर का कंटेंडर भी रहेगी, क्योंकि मतलब फिर तो ऐसा हो जाएगा कि वो इतना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। बाकी लेट्स सी, तीन बॉलें बहुत आलीशान, चौथी बॉल डालने नहीं दी उसने। ओ भाग, आप लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, पोल सेक्शन चल रहा है सीएसके 67, वैसे तो सीएसके ही जीतेगा पोल में, आई डाउट कि कभी जो है सीएसके जो है पोल में हारता होगा। बाकी लेट्स सी, सीएसके पोल में तो नहीं हारने वाला, फिलहाल तो लीड ही कर रहा है कि सीएसके जीतने वाला है 67% से, बट आई वुड अप्रिशिएट आप लोग जो है वीडियो को भी लाइक कर दो, बाकी जो है कमेंट सेक्शन में भी आ जाओ अगर पॉसिबल हो आपके लिए। और वहां पर तीसरी बॉल के बाद चौथी बॉल, अरे अंदर आ रही थी, जायसवाल ने फिर जो है मार दिया, आई थिंक चौका, फिर एक चौका।
आई थिंक वहां पर एक चौका और हमारा भी चौका हो गया। वाओ भाई, तीसरा चौका पहले ओवर में जायसवाल ने, जो लाइव मैच चल रहा है। दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी आर एक्सपेक्टिंग, और ये जो है रुकना नहीं चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए बॉस। बहुत स्ट्रांग टीम है राजस्थान, अगर आप मैन टू मैन मार्किंग कर कर देखो तो बढ़िया। अगर जायसवाल इतना ठोक रहा है, क्या आज बटलर भी जो है मार सकता है एलर्सी? और जो हम अपनी गेम प्ले में देख रहे हैं भाई, आज रिकॉर्ड सेट हो चुके हैं हमारे, दिस इज आर रिकॉर्ड। इससे पहले हम इतना टोटल नहीं कभी बना कर बैठे हैं, आई थिंक यही इतना ही 150-155 के ऊपर का रिकॉर्ड नहीं है हमारा, 10 ओवरों की गेम में की बात कर रहा हूँ। सो आज ये रिकॉर्ड है, ये चेज में पता लग गया, दिस इज श्योरली अ रिकॉर्ड। 10 अभी तो 8.2 ओवर हुए हैं साथ में, और विकेट, ओए विकेट के नाम लिया, ओ हो हो, अपील नहीं की ना, इसका मतलब नहीं लगा ना, ओके, यानी कि सो दिस इज अ रिकॉर्ड अपने आप में हमारा। सो बढ़िया है, बढ़िया है। सो दिस शोज कि आज राजस्थान रॉयल्स इज ऑल सेट। बाकी लाइव मैच में भी उन्होंने स्टार्टिंग बढ़िया की है, वाह। तो आई रिपीट, दिस इज आर रिकॉर्ड, जो बीटिंग इतनी हो रही है, सो मजेदार है ये तो। और वहां पर बटलर स्ट्राइक पे आ गया है लास्ट बॉल आकाश की खेलने, ओए जायसवाल की 100 की यहाँ पे, वाओ, वो 30 बॉलों में 333 की स्ट्राइक रेट, वाओ 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 वाओ। अगर असली मैच में लगा दे ये फिर मजा आएगा। हेलो फील्डर था वहां पे, नहीं तो ये भी चौका हो सकता था वहां पे, बट हमारा चौका पॉसिबल आना चाहिए। आ गया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट भाई, जायसवाल ने 100 मार दिया भाई, कमाल है हमारी गेम प्ले में। तो अब जो है जायसवाल वहां पर कितने पे है, 13 260 की स्ट्राइक रेट, 3 चौके मारकर, गुड। लास्ट बॉल अभी भी पड़ी है भाई, मैं तो इनकी रन रेट देखकर हैरान हो रहा हूं। ओए रहने दे, बटलर को लेने दे स्ट्राइक यार, लास्ट ओवर रहने दे, बहुत मार लिए तूने, बटलर को अटैक करने दो अब, लास्ट ओवर कौन डालेगा। ओए चेहर आ गया बटलर 62 पर, वाओ। तो लास्ट ओवर जो है बटलर अटैक करेगा, ओए वो कहीं बॉल ही नहीं गई भाई साहब, वो बॉल ही नहीं गई, गुड बॉल यार, भागू एक और, नहीं रुक जा, ये रिकॉर्ड है, 170 बन गया भाई, वाओ बॉय भाई। ये चेज कौन करेगा, हालांकि मुझे ही करना पड़ेगा, बट ये चेज कौन करेगा, इतना बड़ा टोटल चेज कैसे होता है, चलो लेट्स सी। वाओ भाई जायसवाल ठोक रहा है, तो जायसवाल मार रहा अच्छे से, ब्रिलियंट। और वहां पर देश पांडे आ गया भाई बॉल निकालने के लिए, पहले ओवर में 14 रन पड़े हैं राजस्थान रॉयल ने बनाए हैं 14 रन, यानी कि 14 की रन रेट, हालांकि हमारी 19 की रन रेट चल रही है। सो आज ये रिकॉर्ड, आज रिकॉर्ड का दिन तो नहीं है कहीं, क्योंकि हमारी गेम प्ले में भी ये रिकॉर्ड बना है आज, और वहां पर भी जो है, ओए ये ओए, और बैक फुट दब गया, चलो भाई टेंशन डाल दी पहले ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स ने अपनी अप्रोच दिखाकर धोनी को, ओए भाई ऐसे मिस मत करो यार, 100 बनाकर खेल रहा है तू, बाय द वे विकेट भी कोई नहीं गिरी है, वाओ गुड शॉट, और वहां पर भी गुड शॉट, आई थिंक एक और चौका, यस वहां पर भी एक और चौका भाई, बटलर का चौका आ गया अब, वाओ भाई सारे, इवन हमारे गेम प्ले में भी राजस्थान रॉयल्स इज ऑन फायर, उधर भी राजस्थान रॉयल्स इज ऑन फायर, हमारी गेम प्ले का ये रिकॉर्ड है। लास्ट बॉल 10वें ओवर की, 180 का टोटल ऑलरेडी ऑन द बोर्ड, तो ये हमारी तरफ से एक रिकॉर्ड है हमारा। ओए मिस करवा गया, वाओ मिस करवा गया, तो 180 विदाउट विकेट भी, ये हमारा जो है रिकॉर्ड है, आई थिंक याद रखना भी हमारे लिए आसान रहेगा। वाओ राजस्थान रॉयल्स ने कमाल की जो है बैटिंग की है, ओ वाओ। तो जो है अब क्या करेंगे हम, अब जो है चेज भी हम ही करेंगे, तो इसमें जो है दो राय नहीं होनी चाहिए। ये देखो हम जाकर टीम सेलेक्ट करेंगे, और अब जो है हमने टीम बदल ली है, तो यानी कि अब ये टोटल भी हम ही चेज करेंगे। कैन वी डू इट भाई, लिटल नो, ओ फ्रीको, पहली बॉल पे विकेट, दिस इज द प्रेशर, ये होता है प्रेशर, पहली बॉल पे यार 18 की रन रेट कौन मेंटेन करेगा 10 ओवरों में,
लिटरली इम्पॉसिबल है यार ये, अब लिटरली इम्पॉसिबल है। कॉनवे पहली और लेफ्ट हैंडेड बहुत है मेरे पास, चल भी बेन स्टोक्स आजा। बेन स्टोक्स को जो है ऊपर लाना पड़ेगा अगर 180 रन 10 ओवरों में बनाने हैं। नेक्स्ट टू ओ नो भाई ये नीचे एज हो रहा, ओए गॉश बोल्ट ने दोनों विकेटें निकाल दी। ओ यार इतना बड़ा टोटल का ये प्रेशर है फालतू का। ओ बेन स्टोक्स भी गया यार, चल जनेजा चलो भाई भाई दो बॉलों में दो विकेट हैट्रिक बॉल यार, आराम से खेल नहीं सकते हैं। चलो यार जो है सो है। ओ वहां पर कहां पहुंचे? अच्छा जॉश बटलर ने लास्ट टाइम जब सीएसके के साथ इसी ग्राउंड पे खेला था क्या? 95 रन नॉट आउट मारे थे 60 बॉलों में, कब खेला था इसने? जो भी है लास्ट गेम में उसने इतना धोया था। वाओ और यहां पर यार चेस शुरू हो, ओ एक और चौका वहां पे। ओए यार ये क्या हो रहा है? ओ नो भाई साहब सीएसके का तो हाल बुरा हो गया, बैटिंग शुरुआत होते ही हाल बुरा हो गया ये तो। धोनी को लाओ भाई, धोनी को लाओ भाई, एक पे तीन। ओ गॉश ओ नो अब क्या करें यार, चलो भाई धोनी को लाना पड़ गया अब तो। भागो 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 भागो, पहुंच गया। वहां पे कहां पहुंचे? वहां पे भी 13 की रन रेट चल रही है बॉस। वाव 12 पे आ गई, अब दो ओवरों में 24। वाह वहां पर भी जो है खतरनाक शुरुआत की है, बट यहां पर यार यहां तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गई है। गुड शॉट स्ट्रेट, गुड शॉट, धोनी को बुलाना पड़ा भाई हमें, बट हालांकि यार ये 18 की रन रेट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है, बट लेट्स सी। सो अभी जो है स्ट्रेटजी यही होगी कि रन रेट रिक्वायर्ड 19 की है और मेरी रन रेट है 7 की, सो जितना क्लोज लेकर जाया जा सकता है आई थिंक यही जो है हमारा स्ट्रेटजी होने वाली है। ओए वहां पर एक और चौका आ गया भाई साहब, वहां पर राजस्थान रॉयल्स भी जो है कुटाई करने के लिए तैयार बैठी है, और अभी एक और चौका, कितने पड़ चुके हैं? 4, 2, 6 चौके ऑलरेडी वो मार चुके हैं। स्लोअर बॉल पकड़ ली मैंने हाथ से, बस टाइम नहीं कर पाया। कोई बात नहीं यार, 3 विकेट ऑलरेडी गिरवा चुके हैं, ये होता स्कोर का प्रेशर, बट चलो धोनी की इनिंग एंजॉय करवाते हैं। टारगेट अब ये है कि धोनी जो है 10 ओवर तक खेलना चाहिए और रन भी जो है साथ में। ओए वाइड बॉल है, ये वाइड बॉल है तो टारगेट अब ये है कि धोनी जो है खेलना चाहिए जडेजा साथ में। चलो जडेजा को भी कहो खेलता रहे यार तू, अब तो जीत तो अभी बेईमानी होगी यार जी। ओए यार ये कितनी स्लो फेंक रहा है संदीप, ओहो जीत बेईमानी होगी नो डाउट, बट लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। 171 यार 51 ओवर, आई थिंक राजस्थान रॉयल ने पहली इनिंग में ही खत्म कर दिया मैच। ओ एक्सक्यूज मी यार इतना बड़ा टोटल भी नहीं बनाना चाहिए। ओ गॉड ओए दूसरी टीम अप्रोच, ओए वहां पर छक्का, जायसवाल ने छक्का लगा दिया। आकाश भाई पकड़ लिया आज, जिस तरह हमारी गेम प्ले में कुटाई हुई है ना सीएसके के बॉलर्स की, अभी तक तो वहां पर वैसी कुटाई हो रही है। ओहो ये स्टेटमेंट अपनी याद रखना पूरे मैच के लिए, ओए कि सीएसके को सिर्फ विक्ट्री चाहिए आज, बट राजस्थान रॉयल्स को डोमिनेटिंग विक्ट्री चाहिए। तो जो है लेट्स सी आज, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स उस माइंडसेट से तो आया है, बट हमारी गेम में बुरा हाल हो गया यार, ये क्या हो रहा है? ओए वो भाई ये वही पिच है जिसपे जो है राजस्थान रॉयल्स अभी जो है 180 ठोक कर गया है, पता लगा वो पिच तो नहीं चेंज कर दी, श्योरली पिच चेंज कर दी यार, ये ऑल ऑफ अ सडन पिच चेंज हो गई है यार।
ओए धोनी ने पकड़ा, धोनी ने मारा, चल बढ़िया चौका। बट यार राजस्थान रॉयल्स के शॉट कितने खतरनाक जा रहे थे। ओए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते रहो चलते रहो। आई थिंक टारगेट यही रखना है कि कितना डीप लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये मैच। ओए बॉल यार, इनकी बॉल कैसे प्ले एंड मिस हो रही है, अंदर बाहर हो रही है यार। पिच चेंज कर दी इन्होंने, आई थिंक सो पिच चेंज कर दी यार इन्होंने तो। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गुड शॉट गुड शॉट गुड शॉट। अगर लास्ट के अभी पर दो ही बात ना, अगर लास्ट में से लास्ट तक भी लेकर जाऊंगा तो 20 की रन रेट तो ऑलरेडी चाहिए ऑलमोस्ट। तो भाई ये तो 25-30 की हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं होने वाला। चल जायसवाल ने एक और चौका लगा दिया भाई, वैसे खड़काई बड़ी हो रही है। इसी ओवर में 14 रन पड़ चुके हैं, इसी ओवर में 38 पर पहुंच गया स्कोर भाई। अभी हमारे गेम प्ले में जिस तरह का अटैक होकर हटा ना, काइंड ऑफ अ सिमिलर अटैक वहां पर हो रहा है। 13.41 की रन रेट वहां पर चल रही है, 38 रन 2.5 ओवरों में। यहां पर ऑलरेडी 10 ओवरों में 180 खत्म कर चुका है और सीएसके को जो है पूरा प्रेशर में ले जा चुका है राजस्थान। ओए गुड शॉट गुड गुड, टपा दे टपा दे टपा दे, ब्रिलियंट शॉट ब्रिलियंट शॉट ब्रिलियंट शॉट मैन, ब्रिलियंट अप्रिशिएट इट, ब्रिलियंट शॉट जडेजा। प्रेशर में इनिंग्स है ये, बढ़िया हारो बट फाइट कर हारो। जडेजा और धोनी जो है बैटिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट दिस इज अ गॉन केस। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए खेला जा रहा है यहाँ पे, तो लेट्स सी क्या इज्जत कितनी बचती है, क्योंकि टोटल इतना बड़ा है। बस 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 बस, सिंगल 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 सिंगल, और वहां पर तीन ओवरों में 42 यस भाई। आज अगर संजू सैमसन ना आया ना तो भाई सीरियसली यार, राजस्थान रॉयल्स के फैंस संजू के जितना तुम लोग उस वो करते हो ना कि जब उसे खिलाया नहीं जाता या टीम में खिलाते नहीं, ट्रेंड करवाते हो, आज वैसा ट्रेंड करवाई हो उसकी बेइज्जती के लिए कि अगर आज भी वो तीसरे नंबर पे ना आया और उसने जो है उसने पडिकर को भेज दिया भाई, बनता है यार। इतनी तकड़ी शुरुआत के बाद ना उसे फ्लो में लेकर जाना बनता है। मीनवाइल हम कहाँ पहुंचे, मुश्किल से जो है 10 की रन रेट आनी शुरू हुई है, बट आर बैट्समैन आर फाइट। ओए रॉन्ग शॉट बॉय, रॉन्ग शॉट, आउट है, नहीं यार बाहर जा रही थी। अश्विन यार मैं अपील करूंगा, मैं चैलेंज करूंगा इसे, चैलेंज करके देखे, अरे बाहर नहीं जा रही थी। ऑफ स्पिनर तो है, अंदर ला सकता है, बट यार बाहर जा रही थी ये। ओए जस्ट इन लाइन यार, एम्पायर्स कॉल, देखा बाहर जा रही थी, मुझे लग रहा था बाहर जा रही थी। वेरी गुड गुड डिसीजन, मतलब गुड रिव्यू वाला डिसीजन, गुड रिव्यू यार। एम्पायर्स गेम के भी अंधे हो गए हैं, एम्पायर्स को गेम में भी नहीं दिखता कि बॉल कहां पर जा रही है। गुड जडेजा गुड, इज्जत बच रही है, इज्जत बचाओ यार। यार फिर तूने गलत, यार जडेजा क्या करता है यार, फिर तूने गलत यार शॉट पकड़ लिया। मारो तो उठा के मार दे यार उसके सिर। अश्विन स्ट्राइक्स यार, बुरा ही हाल है। किसे भेजूं अब, किसे भेजूं, मोइन अली डूबे डूबे मोइन अली, चल डूबे आ जा यार, चल डूबे आ जा, डूबे आ जा, देखें तेरे में कितना दम है। चलो लेट्स सी डूबे साहब, अरे धोनी का गैप कट चौका, ब्रिलियंट। वहां पर रन रेट 13.58 लाइव मैच में, वाव भाई खड़ाका हो रहा है वहां पे, वहां पे 200 से ऊपर अगर बन गया ना धोनी की टीम से बनने नहीं वाला ये आज। हालांकि बोल्ट नहीं है बट स्टिल, ओए ओए भाग 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 भाग, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया, गुड आउट 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 हो गया, आउट हो गया आउट हो गया आउट हो गया, ओए बच गया, मुझे तो लगा आउट हो गया, पिच पिच हुई होगी। और चल भी धोनी ने ले लिया, रिव्यू ले लिया, आई थिंक या तो ये बाहर स्लाइड कर स्लाइड पिच की होगी, अगर की होगी नहीं तो ये आउट लग रहा था, ये नेकेड आई से तो आउट ही लग रहा था ये। बाकी धोनी ने रिव्यू ले लिया वहां पे, तो पता ही एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं आउट, बट आई थिंक ये धोनी का ये वाला रिव्यू जितनी स्पीड से लिया ना धोनी ने, ये डेस्परेशन वाला रिव्यू है, सो हो सकता है पिच जो है बाहर की हो ये। लेट्स सी,
पर यार धोनी ने लिया है यार, धोनी ने लिया है। वैसे भी एम्पायर्स को आधे अंधे दो, पर धोनी ने लिया है यार। सो लेट्स सी, धोनी अगर लेता है रिव्यू तो नॉर्मली वो कहते हैं ना कि धोनी रिव्यू सिस्टम वाला काम। ओए बच गए, वहां पर क्या डिसीजन है, क्या डिसीजन है, बैट पे लगा है? नहीं, अरे यार टीवी पे, वहां पर टीवी पे देख लो, आउटसाइड लेग। देखा, लग रहा था, देखा मैंने पहले ही कहा था ना आउटसाइड लेग, तो पिच किया Nice आउटसाइड। वो shot, एक्चुअली but धोनी का भी unresponsible. कसूर नहीं था, धोनी भी डेस्परेट था इस वक्त, धोनी डेस्परेट था इस वक्त और धोनी को A brilliant चाहिए save. विकेट। The और deep वो catch पिच off जो was a की है ना fabulous वो piece of fielding. आउटसाइड लेग की है, नहीं तो अंदर घुस गई थी वो। तो धोनी तो जब डेस्परेशन में है ना, तो धोनी ने इसे डिसीजन थोड़ा सा गलत लिया गया, नहीं तो बाकी सब कुछ ठीक था। Okay, cuts that off well in ओए midfield. फील्डिंग बाकी ठीक था, और इस वक्त सीएसके बहुत डेस्परेट है बॉस। सीएसके को पता है कि रन चेस करते वक्त तो तुम रोक सकते हो क्योंकि रन का प्रेशर होता है, Change to the बट रन जब complexion of पहली this टीम match. बना रही है Got to तब get the भूल new जाओ अगर batters 6-7 pumping forward ओवरों में early, वो अस्सी encouraging them to नब्बे लग drive. गए वहां पे, Really तो attacking पावर प्ले stuff. जिस हिसाब से वो फायदा उठा रहे हैं ना, Wait जैसे there. कि Well अपनी गेम में timed. क्या हुआ There's a देख लो fielder out ना, there. अपनी गेम में राजस्थान ने कितना जो है And they're away. पावर प्ले का Nice stuff फायदा from them. उठाते उठाते कहां पर पहुंच गए। अब इतना फायदा उठा लिया कि हमसे जो मारे नहीं जा रहे, देखो इसी पिच पर हमने राजस्थान के लिए बैटिंग की है, 180 बनाए हैं 10 ओवरों में, और इसी पिच Bit of ओए frustration और इसी after that पिच shot पर went off जो to है it. Just to layer back सीएसके के on it. लिए खेला ही नहीं जा Game रहा, to tidy up, इमेजिन but करो। batting doesn't तो seem to ये be है, the issue इसलिए out there at the राजस्थान का ये moment. जो टोटल चल Good रहा है ना, pressure building. ये डराने Now वाला looking होने for वाला trouble है here. डेफिनेटली। भाग 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 भाग, ओए दूसरे एंड पे भेज दी, पहुंच गया पहुंच गया It's just पहुंच a गया, little bit wide. Well picked 45 up and रन पे पहुंच guided चुकी है nicely राजस्थान down रॉयल्स, towards the ऑलमोस्ट wicket. 11.5-12 के आसपास रन रेट मेंटेन कर रहे हैं। सो नॉट बैड नॉट बैड। और हम कहाँ पर पहुंचे हैं, हम जो है असफल कोशिश कर रहे हैं बट इज्जत बचाने के लिए सीएसके की, Not a very ओए smart इज्जत shot, बचाने के but लिए nothing सीएसके की onto जो it है in the हम end. भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इज्जत बचा सकते हैं इनकी। और Where to now? ओए भाई Quick ये वही onto that पिच है playing क्या, field. A direct hit पहुंच and गया this could पहुंच be गया gone. पहुंच गया पहुंच गया, Good running. ये वही पिच Needed है to be as जिसमें well. सीएसके जो Coming है, closer पार्डन than I मी, expected. आरआर जो है 180 बना कर गया है, वो लग नहीं रहा है भाई, लग नहीं रहा है। अब तो Great shot, धोनी जो है great कोशिश shot. पूरी कर Next रहा है, वैसे कुछ swing. भी कहो बट ये Good टोटल batting, बहुत बड़ा है यार, lovely कितने ओवर timing. रह गए हैं, छह Hardly ओवर, even length छह on it. ओवर It's में always headed for the boundary. रन रेट रिक्वायर्ड क्या है It यार, shouldn't बहुत get है यार, too बहुत है, discouraged with that छह last ball. ओवर में रन रेट रिक्वायर्ड First बहुत है, step ऊपर of से the bowler is स्पिनर्स। to get the batter playing, which they've managed. ओए Thinking रुक of जा the रुक जा right रुक जा रुक जा shot, रुक जा रुक जा रुक the जा रुक जा, reward will eventually come. ओए और स्लो आई है, Brilliant हाँ bowling. वो Haven't got स्पीड को the वेरी edge कर of रहा है, previous ball. They वो now know स्पीड को the वेरी कर areas रहा they है। need to be hitting. चल They चौका punch चौका again. चौका, गुड Perfect गुड गुड timing. गुड 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 गुड, Punched out of the middle of the bat. शाबाश। Great timing. It's raced to the वहां पर boundary. 4 ओवर 45, And देश they पांडे will. वापस बॉल डालने 11 आ गया runs है coming और from it. बटलर Super innings सिंगल। are चल falling. हम कहां पे 53 पहुंचे, for हाय going to प्रसिद्ध base. कृष्ण आ गए 4 ओवरों में, यार कितने मारने हैं और हमें बहुत मारने हैं यार, 4 ओवर 127 यार, ये तो रन रेट। ओ भाई Take that in. हल्का सा Really good थोड़ा run सा too. मारने निकलता हूँ और काम खत्म हो जाता है, मेरे ख्याल से अब तो रन रेट रिक्वायर्ड भी 30 पर पहुंच गई है। ओ यार भाई हल्का सा मारने निकलता हूँ ना किसी Starting से to भी, get ऐसा really लग रहा है interesting कि now. पिच That's चेंज कर batting दी quickly है and enough. या Very क्या चेंज frustrating कर दिया conditions. यार, Heading back to the 180 lead. कैसे मारे राजस्थान Batting रॉयल्स ने under इस पिच pressure, पर, facing up just सीएसके से yet. तो बैट नहीं हिल रहा Really यार, सिर्फ battling धोनी hard लगा to हुआ है get एक the तरफ से। cover non-striker's end. ओए गुड Right शॉट under the गुड middle. शॉट, बड़ी ये तो Everything इज्जत was right इज्जत to ही बच match it. रही है। अब Front work to get देखो back वहां and पे then छक्का, batting through the ball वहां पे पोल quickly. करके छक्का जायसवाल का, वाओ भाई ये कम से कम नहीं तो 100 मीटर का तो मारा होगा इसने, ये कम से कम 100 मीटर का मारा होगा, 552 वहां छक्का है जो टूर्नामेंट का, Boundary of the ये last 100 मीटर ball. का तो Is होना it a चाहिए यार, sign that कितने time मीटर to का है cross the ये, run rate? बड़ा कड़कदार छक्का मारा है वहां पे, यहां मार के दिखाऊं यहां पे, अगर शॉर्ट पिच आती है तो मारूंगा, नहीं आए हमने भी मारा स्टैंड उस तरफ ही मारा बट क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर था इसलिए उसका इस तरफ गया है, पर कितने मीटर गया है वो देखने वाला होगा, दिखाया ही नहीं यार, बेशरम हो दिखाते नहीं हो।
कितने मीटर मारा था। और यहाँ देख लो यार, धोनी के अलावा किसी ने रन ही नहीं, किसी से बैट ही नहीं लग रहा जो मारने की कोशिश कर रहा है। ओ पकड़ा गया, लो लगी ना, ओ पार हो गया, पार आ गया। मैं लगा, मुझे लगा नजर लग गई, मुझे लगा नजर लग गई। भाई जायसवाल ने छक्का कितने मीटर, ओए धोनी की 50 होगी, वाओ तालियां। इकलौता यार लगा रह रहा है, सिर्फ धोनी से रन बन रहे हैं इस पिच पर, बाकियों से किसी से रन क्यों नहीं बने यार, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैं प्रेशर, एक्चुअली प्रेशर, रन ही बहुत मारने हैं, धोनी अकेला इज्जत बचाने लगा हुआ है टीम की, बट एक्चुअली सबने कोशिश की यार, रन वाकई नहीं लगे किसी से। ओए यार कितने मीटर का छक्का था वो जायसवाल का, वहां पे दिखाया नहीं क्या, दिखाई 89 मीटर का भाई, 89 मीटर का, मुझे लगा 100 मीटर का होने वाला है वो, कम से कम 89 मीटर का था। गुड, बढ़िया, चल यार। ओ ओ, थोड़ा सा शॉट रह गया, थोड़ा सा शॉट रह गया भाई यार, 20 बॉलों में 112 यार, ये कैसे बनाए हैं राजस्थान ने। ओ यार, तौबा तौबा। ओए 7 ओवरों में 70, 10 की नॉर्मली हमारी 15 की चाहते होते हैं हम, कि 15 की रन रेट जो है वो मेंटेन रहे, बट यार इतना बड़ा प्रेशर, रिक्वायर्ड रन रेट 36.67, तो अब तो इक्वेशन से ही जो है बाहर निकाल दिया इन्होंने, चौका छक्का छक्का भाई छक्का, इक्वेशन से बाहर निकाल दिया। अकेला महेंद्र सिंह धोनी हमारा जो है बैटिंग करते करते जो है रन बना रहा है, प्रमोशन दिया आज हमने उसे। ओ भाई साहब, भाई साहब 125 मीटर का, गुड गुड गुड। ओए बाउंस यार, एक तो पेस नहीं आती ऊपर से बाउंस, वहां पर 50 रन हो गया राजस्थान रॉयल्स के। अब थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, बट स्लो इतना भी नहीं हो रहे हैं, तो 11 के नीचे की रन रेट आ चुकी है, जो कि एक टाइम से 14-15 पर फेंकी हुई थी उन्होंने, लगता है हमारे गेम प्ले से इंस्पायर हो गए थे वो। ओए ऊपर नहीं पकड़ा गया, चलो जी यही हो रहा है भाई, धोनी भी गया अब। भाई इस तरह की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस चाहिए आज इनसे, मैं असली मैच में भी, अगर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस होएगी और उससे विक्ट्री होएगी तभी बात बनेगी राजस्थान की। गुड, ओए पहली, पहले अच्छा ये तो वो था मोइन अली था ना, ये तो अच्छा पहली बॉल ही थी भाई, नहीं नहीं दूसरी बॉल थी यार, मोइन अली तो आया हुआ है, राइडू अभी आया है। हाँ हाँ शॉट, इसे टॉप ऑर्डर से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा था यार। ओए एज आउट हो गया, लो भाई एक शॉट मारते हैं उसके बाद कैसे आउट होते हैं ये, वहां पर बटलर ने चौका मार दिया। हाँ चौका है, चौका है भाई, खड़का रहे हैं वो भी, जिस तरह आज जो है हमें खड़का, हमने खड़काया ना इससे पहले सीएसके को बैटिंग में। ओहो भाई सी, ओ 99 रन 13 बॉलों में, सोच रहे हो कि आरआर की खड़काई कितनी हुई थी पहली इनिंग में। भाई साहब लो जी, लो जी आउट हो गया, आउट हो गया, दिया नहीं उसने, ओए दिया नहीं उसने, ओए नहीं था, अच्छा चेक करेंगे, नहीं 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 बच गए, दो ओवर रह गए हैं, दो ओवर रह गए हैं यार, सीएसके यार इज्जत भी नहीं बचा पाया, मैंने पूरी कोशिश की यार इज्जत बचाने की कम से कम, पर जब मारने लगता है कोई, लो ओह शिट, ओ भाई पिच चेंज कर दी, बॉलिंग चेंज कर दी, क्या हुआ क्या है ये भाई, इसी पिच पे 180 मार के हटे हैं अभी, बताओ देख लो, राइडू भी गया, उस सारे स्पेशलिस्ट बैट्समैन आउट हो रहे हैं, कोई नहीं टिक रहा यार, कोई नहीं टिक रहा। ओ नो, ओ सीएसके, चल चौका 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 चौका, 100 तो मारो अब, इज्जत बचाओ थोड़ी सी जितनी बचा सकते हो, और वहां पर 59 हो गया फॉर नो लॉस 5.3, भाई खड़ाकेदार खड़ाकेदार काम वैसे ही हो रहा है जैसे गेम प्ले में अभी किया था राजस्थान ने। ओए वाइड है यार, ये वाइड होनी चाहिए, वाइड है कि नहीं है,
95 रन यार, आई थिंक ये सबसे बड़ा मार्जिन भी होने वाला है आज विक्ट्री का. सबसे बड़ा टोटल तो है ही है, ओए सबसे बड़ा टोटल तो है ही है और सबसे बड़ा मार्जिन भी होने वाला है. ये सबसे बड़ा मार्जिन होने वाला है यार. ये आई थिंक ये है वो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस. बढ़िया डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है यार. वाओ, ओए नो बॉल. बच गए. बट हालांकि बस ऑल आउट होना बचो यार. ऑल आउट नहीं करवाना मैंने अब, चाहे मुझे डिफेंसिव करना पड़ जाए इसके बाद. बट वाओ भाई, उसका बैट हिल ही नहीं रहा, यानी कि ये बैट्समैन बिल्कुल भी नहीं है अब भाई. अब मैं अगली 6-7 बॉल है ना, मैं तो आराम से खेलने वाला हूँ भाई. ये तो बैट्समैन, ये तो बैट भी नहीं हिला रहे. ओ भाई, इस लेवल पे तो ये बैट भी नहीं हिला रहे. लास्ट ओवर है भाई. चल एक मैं रिस्क ले लेता हूँ, है ना. आई थिंक चहर तो मारेगा यार. वो चौधरी तो बैट भी नहीं हिला रहा. लो ओ भाई, ये नहीं खेल पा रहे इस लेवल पे बिल्कुल भी. चहर भी नहीं यार, तो खेलेगा कौन इनकी टीम को. क्या है ये? ओ भाई विकेटें कवर कर तू. हाँ विकेट्स कवर कर, लीव कर. ऑल आउट नहीं होना ओए, 10 ओवरों में ऑल आउट नहीं होना. हार जाओ कोई बात नहीं, हार तो रही हो. खैर 94 रन तो बनने नहीं वाले. ओहो यार, सीएसके को ये क्या हुआ? प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर. ऑब्वियसली रन सच्ची नहीं बने यार इनके तो. मतलब ये नहीं है मैंने अटेम्प्ट नहीं की, पर स्टार्टिंग में 3 विकेटें जब ओवर में गिर गई, या 2 विकेटें आई थिंक, तो बनता ही नहीं था यार, बन ही नहीं सकता था फिर तो. कमाल है यार, कमाल हो गया. ऑल आउट मत होइयो भाई. बस बस ठीक है. ऑल आउट मत होइयो, ऑल आउट नहीं होना. वहां पर 6 ओवरों में 64 हो गए हैं राजस्थान रॉयल्स के. वाओ, आई थिंक रन रेट थोड़ी सी कम हुई है. 4, 6 चौका 24, 20 रन पीछे चल रहे हैं जो ये बना सकते थे, या इनकी जो है करामाते चल रही थी. भागले. MSOP खतरनाक तो है. बट भैया चेज जब पहले बैटिंग करेंगे ना, तब धोनी से नहीं रुकने वाले वो. चेज में होता है क्योंकि दूसरी टीम उतना ही प्रेशर ले जाती है. चलो भाई, अभी जो ये स्टार्ट मिली है ना राजस्थान को, ये राजस्थान अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे और अपना बैटिंग लाइनअप ठीक करे, ये बहुत अच्छा टोटल बना सकता है. चलो भाई, हमारे गेम प्ले में तो राजस्थान ने तहलका मचा दिया. आज का हमारा सबसे हाईएस्ट टोटल भी बनाया इन्होंने, और उसके बाद यार सीएसके जो है वाकई बना ही नहीं पाया. और वहां पर भी राजस्थान रॉयल्स जो है तहलके पे तहलका मनाने बचा कर बैठी है. 65 फॉर नो लॉस, 6.2 ओवर्स में 10.5 के आसपास की रन रेट चल रही है, जो कि मुझे लगता है अभी ड्रॉप हुई है. बट कोई बात नहीं, जायसवाल 41 पे बैटिंग कर रहा, 178 स्ट्राइक रेट. जॉस बटलर 150 की स्ट्राइक रेट 24 पर. और आई थिंक इसके बाद संजू सैमसन को आना ही चाहिए. बाकी लेट्स सी. चलो हम रैपअप कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. गेम प्ले में तो राजस्थान रॉयल ने कंप्लीट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है. ओए छक्का 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 छक्का, हाँ छक्का जायसवाल ने. और हमारी गेम प्ले में जायसवाल ने 100 मारा है, और वहां पर जायसवाल अपने हाफ सेंचुरी तक जो है पहुंच गया. ऑलमोस्ट 3 रन रह गए हैं. तो भाई देखते हैं, हमारी गेम प्ले में ये 10 ओवरों का रिकॉर्ड है इस बार जो है. इससे पहले ये हमने आई थिंक 150 का रिकॉर्ड था, आई थिंक अभी 180 पर जंप कर गया. ये टूट नहीं पाएगा आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है. बाकी लेट्स वेट, वॉच एंड सी वहां पर क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि जायसवाल ने 2 और ले लिया आई थिंक. हाँ, तो जायसवाल 49 पर पहुंच गया है और राजस्थान रॉयल. और आई रिपीट अगेन कि राजस्थान रॉयल्स को ये जो मैच है वो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ जीतना होगा, और वो बाबर वाली डोमिनेटिंग नहीं, असली डोमिनेटिंग से जीतना होगा. और सीएसके अगर जीत भी जाए तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इसमें जो है राजस्थान का बनता नहीं है हारना. बाकी लेट्स वेट सी एंड वॉच. जायसवाल की 50 हो गई है, हम जो है रैपअप कर रहे हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय, टेक केयर.